హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఏనా లేకపోతే రీజనబుల్ ప్రైజ్ అనిపించిందా ఎట్లా అనిపించింది సార్? మీరు ఎక్కడ పెడుతున్నారు నా షాప్? నేను కాచిగూడ. కాచిగూడ వాళ్ళ రెస్టారెంట్. ఓకే ఓకే బాగా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. घर में लेडीज हमारी माँ बहन आपा भाई सभी मिलकर पतंग उड़ाना जरूरी है। जितनी पतंग उड़ाएंगे उतना करोना करता। वो तो सही। क्यों बोले तो ये फिर तीसरी लहर आने वाली है, क्या आने वाली है, उम्र का क्या 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 आ रहा हो पता नहीं। हम सबको कॉपरेट करना जरूरी है। What's up guys, welcome back to the channel. నా పేరు హరి, స్వాగతం సుస్వాగతం మరో వీడియోకి. సో గైస్ ఫస్ట్ మనం ఎగ్జామ్ మొత్తం పతంగుల గోదాంలో ఉన్నామన్నమాట. సో మీరు చూసినా మొత్తం ఈడికైనా అలాగే మొత్తం పతంగ పతంగ పతంగ. సో ఓవరాల్గా ఈ పతంగ ఏంటంటే మీ అందరు రిక్వెస్టింగ్ వీడియో బై. సో ధూల్పేట్ల వన్ ఆఫ్ ది షాప్ సత్యనారాయణ పతంగ గారి షాప్లో ఉన్నామన్నమాట. మన ఫ్యాన్స్ బోజనే అమారే సబ్స్క్రైబర్స్ బోజనే సత్యనారాయణ పతంగ గారికి జాకే ఉంటా రేట్ పోతాం మీరు బోజనే పూజ. సభికు వెల్కమ్, మై ధూల్పేట్ సత్యనారాయణ పతంగ గారు, మై ఆప్కా మామా, ఆప్కా మాము, मैं सभी को वेलकम करता हूँ। मैं क्या कि मैं धूलपट में सिर्फ मैं देखो ऊपर वाले ने तो बहुत कुछ दिया नहीं दिया, खैर वो तो मेरे दिल को मालूम। मेरे को जनता का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेरे को जनता आम जनता का प्यार होना मुझे तो उसमें मेरी मेरी को नहीं नहीं आता तो भी मेरे को उनसे उनको यहाँ आने से मेरे को खुशी आती है मेरे को। क्या सो अंदर इतना होल ऑल वेलकम जैसा अनमाट। सो अंकल एक बार ये साल का प्राइजेस क्या है और किधर से स्टार्ट हो रहा आपका? यहाँ से स्टार्ट है अपना स्टॉल में। देखे ना ये पतंग जैसे कि 120 रुपीस आपको 100 पीस पड़ता है, 120 में 100 पीस पड़ता है। ओके ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्या होता है फिर ये इसमें कहेगी आप लोगों को ये इससे जरा बड़ा साइज में आता है, ये आप लोगों को 170 पड़ता है ये 100 पीस। ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोगों को इससे बड़ा वाला सत्यनारायण पतंग घर बोले तो यानी के मेरे यहाँ ये नहीं की तू हिंदू मुस्लिम, मेरे को मुस्लिम में मेरी जान है और ये एक बड़ा फेस्टिवल क्या है बोले तो ये फेस्टिवल में सब जने मिलके काम करते हैं फेस्टिवल, वो एक बड़ा फेस्टिवल। मेरे को ज्यादा करके मेरे को मेरा खुदा का वास्ता, मेरे को ज्यादा करके मेरे को वो लोग मेरे से मोहब्बत करते भाई तो, और हिंदू भी करते हैं मेरे चौथा नहीं, पर ज्यादा गिराक मेरे को उनसे क्यों बोलते दो बात मैं उनकी बहुत जी जान से मेरे कहने गौसे पा की मौजूदगी है, मैं उनका भी दीदार करता हूँ, मैं उनकी भी ये सब मैं कारोबार मेरा कारोबार वही है। सब जने को वेलकम करते हैं, सभी को वेलकम करता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोग को 220 का हो गया। हाँ, उसके बाद में ये फिश के डब्बे में आता है, फिश मैं आपको बता ना ये फिश के डब्बे। ओके, ये आप लोग को 180 पड़ता है। ओके, 180 कितने पीसेस रहते हैं? 100 पीसेस का रेट। अब तुम पूरे बोले तो 100 पीसेस का ही है ना? 100 पीस। आप ये नहीं की दुकान पे आके कहेगी कस्टमर अगर पिलाने के लिए भी लेके जा रहे समझो तो मैं सेम रेट में देता हूँ मैं। ओके क्या 12 पीस दो, 25 पीस दो, 50 पीस दो, ये नहीं कि हम 100 दिए तो 100 देते, वो कस्टमर ये दुकान पे नहीं चलता। ये धूलपेट नंबर 1 सत्यनारायण प्रखंड में मुंह से तो ये बोलना गलत है, पब्लिक ही मेरी मेरे को वेलकम करना समझ गया। ठीक है चलो राइट। और इससे बड़ा वाला, इससे बड़ा गया 5 पीस। ओके, ये अपन 280 100 पीस। ओके 280 पड़ता आप लोगों को। इसके नेक्स्ट ये फोटो का देखे ना आप, ये फोटो का मैंने व्यूशी अन्य ये परनी पतंग ये 350 छोटे बच्चे ज्यादा पिलाते हैं, छोटा भीम वगैरह ये सब आइटम रहते हैं इसके अंदर, ये काम ये होता है। कुछ कार्टूनिश टाइप को चाला मंद इष्ट पड़ता है। नेक्स्ट फिर अपने को देखो प्लेन में ये 425 पड़ता 100 पीस। ओके क्या रिटेल में 70 पीस
जाता हूँ मैडम 425 रुपीज 100 पीस ले आके होलसेल में काम करते हैं। सो गाइस నాకు తెలిసినంత మొత్తం అయితే ఈ ఇయర్ కూడా రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయి ప్రైసెస్. సో మీరు కూడా కనుక్కోండి. అండ్ ఇంకోటి మీ అందరికీ ముందే చెప్తున్నా భాయ్, ఇప్పుడు సీజన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కాబట్టి కొంచెం ఈ ప్రైసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా కొంచెం సీజన్ దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ కొంచెం ప్రైసెస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అంకుల్ కూడా చాలా బిజీ ఉంటాడు, రెస్పాన్స్ లేదు, రెస్పాన్స్ లేదని అనకండి. రెస్పాన్స్ మే ఆకు జీదాన్స్ దేతా మే थोड़ा कस्टमर ऐसे भी आते थे ताकि थोड़ा कि लेने वाले सिर्फ चार आदमी आते, लेने वाले सिर्फ एक ही आदमी रहता, थोड़ा टाइम पास करने के लिए आते तो उसको थोड़ा हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं देते, आप थोड़ा सा मत समझो क्या, ठीक है मैं आपको वेलकम करूँगा मैं आपको, ठीक है। अंड फाइनली मैं अंदर की इदा भाई, सो ई प्रेजेस वे कुछ वेरी उ सीजन दी डिमेंड पे वील इदे बिजनेस सो कुछ प्रेजेस अट्ठे तेरा 350 पड़ता है आपको 350 100 पीस ठीक है। सिल्वर का आइए सो इपड़ मनम चूसने अन्नी अब अपन पूरे पर्नी पतंग देखे ना, पर्नी पतंग में कौन सा तो भी अलग अलग जैसा इसमें झालर का आता है, पन्नी का पतंग ऐसा आता है एकदम हाईलाइट है, अरे हाईलाइट पीस आता है ये अपन को कहिए अपन को 600 रुपीस ओके 100 पीस आता है 600 10 रुपीस में हम रिटर्न में बेचते हैं। जंगल अब पूरा पर्नी बताया ना, पेपर का बता, पेपर में राइट स्टार्टिंग प्राइस पेपर का स्टार्टिंग अपने को ये 260 100 पीस पड़ता है 260 100 पीस 100 पीस कस्टमर 5 रुपीस में रिटर्न में ओके। अब ये माल तुम कब से गेन करते हैं, ये माल कब से लगा लेते तुम? अब देखो सुनिए आप, जैसे कि ये 350 100 पीस ओके 100 पीस 5 रुपीस में 60 रुपीस में रिटर्न। सुनो आज हमारी स्थिति किस तरीके से खराब चल रही है, हम लोग आइए संक्रांत होते कि 4 महीने थोड़ा रेस्ट लेते, उसके बाद 8 महीने पहले से इसको बनाना चालू करते। ये अपन के तुम्हारा का नहीं बनता तुम्हारे फैक्ट्री में, मेरा हूँ, मेरे पिताजी के पिताजी करते थे, मेरे पिताजी करे, आज मैं कर रहा हूँ, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। ये धूलपेट में सिर्फ 4 दुकान थी गिनी चुनी, आज 400 लग रही, खैर वो नहीं, सभी मिलकर करना है कारोबार, अपनी मार्केट बनना है, ये फेस्टिवल मार्केट बनाना है हमारे को, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ आप कर रहे, वो नहीं, हर बिजनेस राखी रहने दो, पतंग रहने दो, दीपावली आइटम गुड़ी वगैरह दिए रहने दो, हर सीजन हम सब मिलकर धूलपेट में हम ऐसा एक फेस्टिवल मार्केट बनाना है हमको, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ, वो सोचना भी नहीं हम लोगों को। आज हमारी स्थिति, हम कब तक हम बेकार काम करेंगे, कब तक हम बेकार करेंगे, आइए कारोबार करो। हमारे कानून, हमारे बड़े बड़े साहब लोग अभी हमारे को इज्जत से हमारे को देखना हो, आज हम ये बुरे काम कर लेंगे, आज हमारी इज्जत पूरी खराब क्यों कर ले रहे हैं। वो तो सही, ये धूल पर का इतना नाम है मूर्ति रहने दो, हर चीज होलसेल प्राइस बोले तो होलसेल में हम लोग इतना काम करने वाले, आज हमारे को बुरी नजर से हमारा कानून देखता है हमारे को, आज हम ये सब छोड़ के अगर हम ऐसे काम फेस्टिवल के काम करे तो हमारे कानून भी हमारी हमको बोलना कि वाह देखो क्या पूरा फेस्टिवल सीजन बोलो तो धूलपेट में दिखे वाला फेस्टिवल सीजन में कैसे काम कर लोगों, धूलपेट के लोग कितने और सब जने एक जने बोल के नहीं, पूरे सब जने बहुत जने हर मार्केट, ये नहीं कि ये कास्ट के बोल के धूलपेट में जितने भी लोग हैं सब मिलकर कारोबार करना, हम कहेगी देखो कब तक हम बुरा काम करके बुरी नजर में क्यों, हमारी गवर्नमेंट हमको थोड़ी सी मदद करना चाहिए, हमको काड़ी पेपर, अगर गणेश का काम करना है तो मट्टी ये वगैरह जो भी हमारे को दिलाए तो हमारे को कितना बड़ा हेल्प मिलता है। तो सही, हमारी गवर्नमेंट से भी हमारे को यहाँ की हमको थोड़ा हेल्प चाहिए हमारे को। अब देखे ना साहब, हम 4 महीने बैठ के हम खाली बैठते, 8 महीने पतंग बनाते, हर सीजन करते, फिर हमारा खर्चा पानी कैसा निकलना। वो तो सही है, बताइए आप लोग हमारे को थोड़ा, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सब बड़े बड़े साहब लोग ऑफिसर वाले एरिया पी एस वाले भी हमारे को थोड़ा कॉपरेट करते, भाई देखो आप ये गलत काम नहीं करना, नहीं बेचना, ठीक है साहब, हम आपकी सराखों पर आपकी बात को, हमें दिल की बात, वो तो अपन नोबे करना बोल लो का, वो जीदान से करना है हमारे को, उनकी इज्जत हमारे को, हम करेंगे हमेशा। वो तो सही है, क्या हम क्योंकि हम गलत काम करें तो हमारे उंगली उठाएंगे, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हम लोग साफ लोग हमारे को सलाम इज्जत देंगे, सलाम देंगे, हम भी उनको सलाम करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बोले, ये आप 350 बोला आपको, मैं नेक्स्ट 260 का बता, नेक्स्ट कहेगी 350, इसके बाद में अभी इसी के बाद पेपर पतंग सर मार्टे पर मन हम यूज है, पतंग आता डोरी पतंग, ये ओके ये 400 पड़ता आप लोगों को 100 पीस है, और इससे बड़ा वाला ये इसको आधा फोन बोलते हैं, ये आप लोग 750 में आता, ठीक है ओके ठीक है। मैं मेरी चूपी चढ़ी अन्य 100 पीसेस लिए भाई प्राइसेस है, ये भी आधा फोन है, ये आप लोग 700 में आता सेवन ओके ठीक है, और ये बड़ा, इससे बड़ा फोन का बोलते हैं इसको, ये पौन पतंग है क्या,
पौन पतंग डिजाइन में पूरा हर डिजाइन का आता, हर डिजाइन का। हमारे धूलपेट में हमारे ओल्ड सिटी की एक बहुत बड़ी शान थी। हम आज के ये पतंग आने से हमारी वैल्यू खत्म हो गई। वो चाइनीज मांझा आने से हमारी इज्जत कमारे बड़े छोटे लोग हाइबत खा के मर गए। वो तो सही है, हाइबत खा के ये चाइना मांझा आकर आ रहा कहाँ से? ये कौन बड़े बड़े धारकार यहाँ पर हैदराबाद में एक इसको डीलरशिप कौन कर रहे हैं? उसको पहले छोड़ो नको आप। हम छोटे, देखो मेरे पिताजी, पिताजी का कारोबार, हम खुद गुट्टे पकड़े थे, हमारे पिताजी मांझा सूते थे, हम वो कारोबार करने वाले थे। आज ये पन्नी की पतंग मांझा आने से मेरे बाप हमारे बड़े छोटे लोग गुजर गए कि जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदार कौन है? हम चाइनीज मांझा बंद करना है तो 8-9 महीने पहले से ये कहाँ रहा, कौन से ट्रांसपोर्ट में आ रहा, क्या रहा, उसको पीटो, किसका मांझा डाले, खुंद लो उसको, तो मांझा बंद होता, नहीं तो मांझा बंद नहीं होता। वो तो सही है, टोटली हमारा ट्रेड मांझा चाहिए हमारे को। आज देखो मेरे पिताजी ये कारोबार में, मेरी 5 बहना, मैं 2 भाइया, हमारे पिताजी 2 बहनों की नहीं करे, ये है बस मर गए चले गए, इसके जिम्मेदार कौन? वो तो सही है। तो आईने फ्रस्ट्रेशन है ये तो नोड़ अभी, అంటే ఒక బిజినెస్ వెనకలో కూడా చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, ఆ స్ట్రగుల్ అంతా ఆయన ఇసుకకే 420 మొత్తం స్టాక్ ఆల్రెడీ నింపి పెట్టేసేసినాడు అంకుల్ थोड़े लोग ऐसे भी आते, सिर्फ यही होना हमारे को भाई, हम एक ही आइटम दिए तो हमको क्या मिलता? वो भी सही है, बुरा ना साहब, ये 8 महीने पहले से हम काम चालू करते हैं एक पतंग बनाने के लिए। ये एक पतंग बनाने के लिए पतंग हमारे हाथ पे कहेगी 10 बार आती, पेपर प्लेन आता, उसको कटिंग करना, फिर पतंग के दबाना, फिर उसको ये साइडों में कहेगी कटिंग करना, फिर ये डिजाइन करना, फिर ठड्डा लगाना, फिर टिकली लगाना, फिर ये डोरा भरना, 1 से 8 से 9 बजे एक पतंग हमारे हाथ पे आती, हम क्या कमाते बताओ? तो सही है, क्या कमाते बताओ? कस्टमर आता तो कहीं हमारे को ऐसा परेशान करता, भाई हमको ये रेट में, तो हमको रेट में नहीं आता, हम क्या करें बताओ? हमारी गवर्नमेंट हमको थोड़ा हेल्प तो करो ना भाई। वो तो हमारे बड़े साहब, हमारे सीएम साहब, हमारे सभी लोग हमारे को थोड़ा हमारे कार्ड कागज से दिला के थोड़ा लोन चाहिए, लोन दिए तो थोड़े हम ये कारोबार करते भाई, गलत काम नहीं करेंगे हम, कब तक के हमारे को लोग बुरी नजर से देखेंगे बताइए आप? वो तो सही है, हम धूलपेट के लोग इज्जत से जीना चाहते, हम होल सिटी के लोग इज्जत से जीना चाहते, हमारे एरिया एरिया एमएलए साहब राय सिंह साहब थोड़ा कॉर्पोरेट करना हमारे को, हमारे एरिया के एमपी साहब अभिषेक साहब, हमारी एरिया ओल्ड सिटी के एमपी साहब, उन्होंने भी ये साल हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अवेशी साहब भी, क्योंकि आपकी पतंग की ट्रेड मारा क्या आपका वोट डालने का, आप तो इज्जत हमारी रखना। वो तो सही है अवेशी साहब, आपको सलाम वालेकुम अवेशी साहब, आपको आपको खुदा का वास्ता, हमको थोड़ा साथ देना। ओल्ड सिटी में जितने भी पतंग की दुकान वाले हैं ना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी ये साल, आपको खुदा का वास्ता अवेशी साहब, ये साल थोड़ा हमारे को हेल्प करना, थोड़ा गलत काम के लिए नहीं साहब, कारोबार के लिए गलत काम, हम आपके आपकी इज्जत खराब नहीं करेंगे, आपकी ना एमएलए साहब भी करेंगे खराब ना, एमपी साहब भी वही साहब भी खराब करेंगे, हमारे को थोड़े पतंग की दुकान थोड़ा साथ दीजिए, लोन दिलाइए, थोड़ा दूसरे कारोबार करने दीजिए, आप भी हमारे एमपी साहब है, उन्होंने एमएलए साहब है, थोड़ा हेल्प चाहिए पूरा, ये ना कि धूलपेट को ना मारो, वो चूंकि जितने भी पतंग के कारोबार वाले सभी तरफ से आपको आपको वेलकम है। आप तो अब अपन के बिजनेस के उसमें गए तो स्टार्टिंग प्राइस 12 रुपीज था, स्टार्टिंग पता ना आपको 260 से एक पतंग, 7 से 8 से 9 बगैर पतंग, एक बगैर हाथ पे आती, जब एक पतंग तैयार होती 2 रुपये 60 पैसे वाली पतंग रहने दो, हमारे पास 5 से 8 बगैर हाथ पे आती जब एक पतंग बनती। तो एंडिंग प्राइस क्या है? बड़ा पूरा सबसे 28 तक का पतंग बोलते हैं, डबल पॉइंट बड़ा बड़ा
होलसेल में इसको कहे कि 24-26 में जो समझ में आ देते कस्टमर लगे 35-40 रुपीज में बेचता उसको। कौन सा दो पॉइंट का है? दो पॉइंट का है बताओ। वो भी बताओ ना, वो लास्ट पतंग है क्या वो? सो दो पॉइंट पतंग भैया जी, ये लास्ट अन्नमाट ये भी अपन का नहीं बनता टोटली धूलपेट में वो सिटी में। मैं बोला ना आपको ये आज हम ये परनी पतंग देखे ना, ये परनी पतंग आने से हमारे बड़े छोटे लोग वो सिटी में ऐसे लोग माहिर थे दोनों मुस्लिम हिंदू एक थाली में खाते थे, एक थाली में बैठ के कह जी सोचते थे कि भाई हम आज ये मांझा सूचना ये पतंग बनाना है। ये परनी आने के आने से वो चाइना मांझा आने से हमारी पूरी इज्जत पूरी पतंग वालों की कभी पतंग की जिंदगी हुई पूरी टोटली कभी पतंग हुई हमारी जिंदगी समझे ना। हमारे को हमारी गवर्नमेंट थोड़ा हमारे को मदद करना ध्यान देना। अब ये तुम क्या प्राइस बोलेगे? ये आपको कहिए 28% डिजिटल में 35-40 में कस्टमर जिस तरीके कस्टमर का उसको तरीके का कमेंट करना पड़ता है। ओके ओके सो ఇది బై సో ఈ ప్రైసెస్ అన్ని కొంచెం వేరే ఉంటది సో ఇదే ఫిక్స్ అని అనుకోకండి ఎందుకంటే మనం వీళ్ళకి కూడా సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ కమింగ్ అప్ సీజన్ వస్తున్న కొద్దీ కొంచెం ప్రైసెస్ కూడా వేరే ఉంటది కాబట్టి మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవలసి వస్తుంది అదన్నమాట అసలు సంగతి అండ్ ఒక్క నిమిషం ఆ బై ఓకే 9 రూపీస్ గెట్టా ఓకే ఫోన్ కా పరంగా 9 రూపీస్ గెట్టా ఇస్మే బోస్ సారే డిజైన్స్ ఏ దేకో ఆ జస్ట్ కి అప్నే ఇండియా परनी में बहुत सारे डिजाइन है। बहुत ढेर बहुत सारे हैं अपने ये तक देखो। आओ समझ ना, मैं अलग से बताता हूं पूरे थोड़ा अलग से बताता हूं। वो तुम ले लो, तुम ले लेके रिपीट कर लो। हां सो गाइस इदन्नमाट असल संगति अंड होप मी अंदर की वीडियो नचिंदि अनुकुंटुन्ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर अंड सब्सक्राइब द चैनल अंड स्वीट अंड शॉर्ट गा पेड़दाम अनुकुंटुन्ना ई वीडियो। अंदुके फस्ट स्टार्टिंग प्राइस नुंचि एंडिंग प्राइस अंटे स्टार्टिंग परनी पतंग अंटे प्लास्टिक पतंग नुंचि मोत्तम पेपर पतंग टू दो पॉइंट पतंग अन्नमाट इदे पेद्द पतंग अन्नमाट। सो इदि दान प्राइस अंड और अंकल अपन का मांजे मांजे का मांजे बता ना आपको मांजे का क्या है? देखो जो आदमी ला रहा सो ला रहा दिल करके ला रहा सो ला रहा समझो टोटली मांजे थे हमारे कहने सिर्फ टेट मांजा देखिए ना आप ये इसका क्या प्राइस है फिर